Hello students, we are going to discuss fifth case of calculation of new profit sharing ratio. और ये fifth case कौन सा है? In the chapter admission of a partner, when new ratio of old partners is given. यानी ध्यान से देखिएगा, old partners की new ratio given है, सिर्फ old partners की. तो इसके इस question को solve करने के लिए चलिए एक illustration लेते हैं हम लोग. We have this illustration, X and Y partners, ratio है 3:2, Z was admitted for 1/5 share, X and Y would share future profits equally. X और Y old partners हैं और उन्होंने decide किया है कि future में X और Y के बीच की ratio equal होगी. Z की है 1/5, X और Y की होगी equal. कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे. तो सॉल्यूशन देखिएगा, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म दैट इज 1, रिमेनिंग शेयर आप देखिए 1 में से 1/5 जो है That goes to Z. 1 में से 1/5 Z को मिल जाता है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचता है? That is 4/5. और ये 4/5 किसके लिए है स्टूडेंट्स? ये जो 4/5 बचा है, that is for X and Y. X और Y में ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्वेश्चन देखें ध्यान से. X and Y would share future profits equally. यानी X और Y फ्यूचर में प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कौन से प्रॉफिट्स को? रिमेनिंग प्रॉफिट्स को. यानी 1 में से 1/5 Z को देने के बाद जो रिमेनिंग होगा उसे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो X इज न्यू शेयर देखिए क्या है. X इज न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/2. इक्वली का मतलब होता है हाफ हाफ. यानी रिमेनिंग शेयर का 1/2 किसको मिल गया? एक्स को. तो एक्स का न्यू शेयर हुआ 4/10. वाइज न्यू शेयर देखिए, रिमेनिंग शेयर 4/5, वाई को भी मिलेगा इसका 1/2, सो इट विल बी 4/10. देखिए ये आ गया शेयर किसका? एक्स और वाई का. दिस इज द न्यू शेयर. अब हमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्स वाई एंड जेड. हेंस न्यू रेशियो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड. एक्स का शेयर है देखिए 4/10, वाई 4/10 और जेड एडमिट हुआ है 1/5 के लिए. टेक एलसीएम दैट इज 10, तो न्यू रेशियो विल बी 4:4:2. इसे और सिंप्लीफाई करें तो 2:2:1. दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड. तो इसको एक बार फिर से देख लें स्टूडेंट्स. हमने टोटल शेयर ऑफ द फर्म लिया है 1, रिमेनिंग शेयर इज 4/5. इस रिमेनिंग शेयर को एक्स और वाई इक्वली यानी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इक्वली करेंगे तो एक्स का न्यू शेयर आ गया 4/10, वाई का आ गया 4/10. रेशियो अगर सिंपलीफाई करें तो इट विल बी 2:2:1. अब हमारा सेकंड स्टेज का क्या प्रॉब्लम है देखिए. वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो सेक्रीफाइसिंग देखिए सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में से या तो सभी पार्टनर्स की या किसी एक दो पार्टनर की आती है. एक्स इज सेक्रीफाइस. एक्स का सेक्रीफाइस है, ओल्ड शेयर है देखिए 3/5, न्यू है 2:2:1, 2/5. इस तरह से ये आ गया 1/5. Y सेक्रीफाइस देखिए, Y का न्यू शेयर है 2/5, सॉरी ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस न्यू शेयर भी है 2/5.
और ये आ गया 0 बाय 5 यानी निल। इसका मतलब ये हुआ कि y ने सेक्रीफाइस नहीं किया z के फेवर में, जितना भी सेक्रीफाइस किया है द एंटायर सरेंडर और सेक्रीफाइस मेड बाय x, सारा का सारा x ने सेक्रीफाइस किया है। तो ये कौन सा केस था स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें। जब ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो अपना शेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो इक्वली किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए रिमेनिंग शेयर को, रिमेनिंग को हमने हाफ ऑफ कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके न्यू रेशियो कैलकुलेट की, फिर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर या न्यू रेशियो माइनस करके हमने कैलकुलेट की सेक्रीफाइसिंग रेशियो।